Hey, what is up everyone? तो कैसे आप सब लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम एक बार फिर से खेलने वाले प्रिजन एस्केप। तो भाई इस बार जो है हम रिसर्च सेंटर से जो एस्केप करने वाले। तो पिछली बार जो है हमने अंडरग्राउंड लैबरो से जो एस्केप कर लिया था, तो अभी देखना है कि हम इस रिसर्च सेंटर से एस्केप कर पाएंगे या नहीं। तो चलिए हम जल्दी से करते गेम को स्टार्ट। तो ठीक है यहाँ पर जो है हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है। तो अभी देखना है हम यहाँ पर हमें कौन कौन सा सामान मिलने वाला है। तो यहाँ पर जो है काफ़ी कंप्यूटर दिखाई दे रही है और CPU भी है, और यहाँ पर पाइप्स लगे, और यहाँ पर जो है गाइज एक ग्लास की ट्यूब है और उसके अंदर कुछ इक्विपमेंट रखा हुआ है। तो अभी देखना पड़ेगा। ओके यार, तो यहाँ पर जो है मैंने इसे क्लिक किया तो यहाँ पर जो एक पजल ओपन हो गया। तो अभी देखना पड़ेगा कि गाइज ये पजल कैसे काम करता है। तो नहीं यार, ये इनएक्टिव दिखा रही। तो यहाँ पर जो है एक USB भी लगने वाली है, USB पेंट जो भी है, और उसके ऊपर जो एक लाइट है तो वो जो शायद से ग्रीन है मगर वो अभी बंद है। तो अभी देखना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले लगता है या कि USB या फिर बैटरी ढूंढनी पड़ेगी। तो अभी देखते हैं यहाँ पर काफ़ी मिलेगी। ओके यार, तो यहाँ पर जो है मैं एक दूसरे रूम में आ गया। तो अभी देखना पड़ेगा गाइस यहाँ पर हमें कौन कौन सा सामान मिल सकता है। तो यहाँ पर कुछ बॉक्स है, तो इसके अंदर भी कुछ नहीं। तो एक मिनट, यहाँ पर मुझे एक नोट्स मिल गया। तो इस नोट्स पर लिखा है आवर्स इन अ डे, डेज इन अ वीक, ईयर्स इन अ डिकेड। तो इसका क्या मतलब है, आवर्स इन अ डे यानी कि दिन में जितने आवर्स होते हैं, तो वैसे आवर्स दिन में 24 होते हैं, डेज इन अ वीक, तो डे तो होते 7, ईयर्स इन अ डिकेड, डिकेड यानी 10 साल, तो 10 साल में ईयर तो 10 ही होते हैं। तो ये नोट्स का है ये तो नहीं पता। एक मिनट गाइस, यहाँ पे जो है एक मुझे लॉकर दिखाई दे रहा है। तो ठीक है गाइस, इस लॉकर में जो है यहाँ पर एक कोड लगने वाला है, तो इसका नंबर तो देखना पड़ेगा, यही कोई होगा शायद। यहाँ पे दीवारों पे कुछ नंबर तो लिखे मगर लगता है ये शायद से रूम के नंबर है। तो अभी देखना पड़ेगा। तो एक मिनट यार, इस नोट्स पर भी जो एक यहाँ पे एक रिडल लिखा हुआ है, आवर्स इन अ डे, डेज इन अ वीक और ईयर्स इन अ डिकेड। तो शायद से मुझे लग रहा है कि ये जो लॉकर है तो इसका जो कोड है ये इसी में है। तो आवर्स इन अ डे 24, डेज इन अ वीक 7, ईयर्स इन अ डिकेड 10, 24, 7 और 10। तो गाइज मुझे यह लगता है यहाँ पर हमें कोड डाल के देखना पड़ेगा एक बार कैसे खुल सकता है। तो आवर्स इन अ डे 24, ठीक है 24, और डेज इन अ वीक तो 7, तो मुझे 7 डालना होगा या फिर 07, पता नहीं। एक काम करते, 07 ही डाल के देखते। और डिकेड इन अ, सॉरी ईयर्स इन अ डिकेड, तो ये हो गया 10। तो नहीं यार, ये तो ओपन नहीं हुआ, चेस्ट से फिर से देखना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इस बार जो है हम सिर्फ 7 डाल के देखते। तो ठीक है, एक मिनट, 24, 7, 10। तो ठीक है, ये जो लॉकर है ओपन हो गया। तो इस बार जो है हमने सही से डाला था, और इसके अंदर जो है हमें तो पहले तो ये पेन ड्राइव मिल गए, तो ठीक है ये फ्लैश ड्राइव है, और यहाँ पर जो एक नोट मिल गई। तो ठीक है यार, इस नोट्स पे जो है वो आके सिम्बॉल दिखाई दे रही है, तो शायद से वही का पजल है। तो ठीक है, यहाँ पर देखते हैं और क्या सामान मिल सकता है। तो लगता है यहाँ पर जो है बाकी का कुछ कचरा ही है, हमें कुछ काम नहीं आने वाला। तो ठीक है, इसे यही रहने देते, जल्दी से जो है इस पजल को सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले फ्लैट ड्राइव लगा देता हूँ। तो ठीक है, यहाँ पर जो है मैंने फ्लैट ड्राइव लगा दी, और अभी ये जो लाइट है गाइज ये अभी भी ऑफ है, तो शायद से ऑफ ही रहेगी। तो अभी जो है हमें इस पजल को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये रहे हमारे सिम्बॉल, तो सबसे पहले रहा ये वाला, फिर उसके बाद स्क्वायर रूट के एरा, और फिर इसके बाद एक ट्रायंगल, फिर पेंटागन, और फिर तो नहीं यार, ये तो कुछ नहीं हुआ। तो अरे यार ठीक है गाइस, यहाँ पर जो है मैंने कुछ गलत कर दिया। तो इसके ऊपर जो यहाँ पर जो सिंबल है, तो इसके अंदर भी और एक सिंबल है, तो हमें जो है सबसे पहले इनको भी डालना पड़ेगा। तो ठीक है, इसे मैं यहाँ पर जो है पहले रॉन्ग करके देखता हूँ, तभी ये शायद से हटेगा। नहीं यार, ये नहीं होगा, एक मिनट में बैक चल के देखता हूँ। ओके गाइस, तो ये जो ये से रिमूव हो गया, हमें जो इसे फिर से टैप करना पड़ेगा, तब यहाँ पे जो ये पजल फिर से रिमूव होगा। ठीक है, तो अभी जो है गाइस मैंने इसे फिर से रिमूव कर दिया। तो सबसे पहले मुझे जो है इसे लगाना पड़ेगा। तो एक मिनट देखिए आप, ये वाला सिम्बॉल और उसके ऊपर जो है सर्कल है, तो फिर ठीक है गाइस, यहाँ पर मैंने सर्कल पर टैप कर दिया। तो अभी ये रहा क्रॉस वाला, उसके ऊपर है हमारा स्क्वेयर, और फिर इसके बाद ये प्लस, फिर उसके ऊपर है ट्राइंगल, और उसके बाद शायद से ये, और फिर उसके ऊपर है पेंटागन, और ये लास्ट वाला का आप ही टूट के ये मिल गया है यहाँ पे। तो ओके गाइस, ये जो है अभी सॉल्व हो गया है। तो उसके ऊपर की जो ग्रीन लाइट थी तो ये अभी चालू हो गई। तो ठीक है गाइस, यहाँ पे जो हमारी ग्लास की ट्यूब थी ये तो ओपन हो चुकी है। तो इस ट्यूब के अंदर जो इक्विपमेंट था तो ये भी यहाँ पे ओपन हो गया है।
तो शायद से इसके ऊपर जो सामान रखा है तो हम इसे ले सकते, तो जल्दी से हम जो उसे भी कलेक्ट कर लेते। तो ठीक है, नहीं अरे तू पूरा आ गए, एक मिनट गई थी, आपके जो अलार्म बजना शुरू हो गए, तो एक मिनट यार मुझे यहाँ से स्किप करना पड़ेगा। नहीं यार यहाँ पे जो है मैं दूसरे रूम में भी नहीं जा सकता, एक मिनट यार क्या होगा। तो ऑर्डर कर, ये जो लेवल है ये भी हमने जो है सॉल्व कर दिया है यार, ये तो काफ़ी छोटा लेवल था मगर कोई बात नहीं, जिसे जो है हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। तो ठीक है गाइस, फिलहाल के इस वाले वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाला भी वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।